वेलकम टू माई चैनल कॉमर्स एड क्लब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दे आर जनरली फाइव प्रिंसिपल्स जिसमें से मैं तीन को आज डील करूंगी बाकी को मैं कल डील करूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियोज में सो so ट्यून मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल uh, uh, है साइंस ना द रूल ऑफ थर्म इसकी डीलिंग ये है कि ईच जॉब शुड बी परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर दाइंटिफिक अप्रोच दिट इज रिसर्च मैथर्ड तो कंपनी की भी जो कंपनी में जो भी टास्क परफॉर्म होता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए वो साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करके होना चाहिए रिसर्च मेथड को अडॉप्ट करके होना चाहिए ना कि ट्रायल एरर मेथड में यानी इससे क्या होगा कि कंपनी जो है वो बेटर प्रॉफिट अर्न कर पाएगी उसमें उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा उसका इफेक्ट इफ़ेक्टिव वे में लेस टाइम में लेस वेस्टेज से अपना टास्क को वो अच्छे से परफॉर्म करेगी इसी की नेक्स्ट डीलिंग ये है कि थिंकिंग बिफोर डूइंग थिंकिंग बिफोर डूइंग को जो हम लोग प्लानिंग भी कहते हैं प्लानिंग का प्लानिंग का ये सिंपल टर्म्स है प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग तो हमको इसको अडॉप्ट करना चाहिए इसको अवॉइड करना चाहिए ट्रायल एरर मेथड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए तो मेरा नेक्स्ट प्रिंसिपल है हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड हारमनी का मतलब होता है भाईचारा और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा तो भाईचारा होना चाहिए दूसरे में झगड़ा नहीं होना चाहिए तो यही मेरी डीलिंग भी है कि देर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हारमनी होनी चाहिए देर इफ़ देर विल बी एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू इट विल नॉट बी बेनिफिशियल इधर फॉर द वर्कर्स और मैनेजमेंट अगर किसी कारण दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है तो वो किसी के लिए अच्छा नहीं है वर्कर्स के लिए भी नहीं है मैनेजमेंट के लिए भी नहीं है इट मीन्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि इन दोनों के बीच तालमेल ना हो इसी का इसी से रिलेटेड हमारा मेंटल रेवोल्यूशन भी है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इन थिंकिंग ऑफ बोथ द पार्टीज़ कॉल मेंटल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन इन थिंकिंग ऑफ बोथ द पार्टीज़ क्या हो गया कि कम अगर जो मैनेजर्स है वो अपने बारे में ना सोच कर, थोड़ा वर्कर्स के बारे में भी सोचे और वर्कर्स जो हैं वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचे ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन इन थिंकिंग ऑफ बोथ द पार्टीज ये कैसे करेंगे तो मैनेजर शुड शेयर देयर गेन्स विद वर्कर्स और वर्कर्स शुड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज प्रॉफिट इसका ये मतलब है कि जो मैनेजर्स को जो गेन आता है वो गेन किस फॉर्म में आएगा प्रॉफिट के फॉर्म में आएगा तो वो जो गेन आ रहा है वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो वर्कर्स को शेयर करेगा वो कैसे शेयर करेंगे उसको इंसेंटिव्स देके बोनस दे करके इस तरीके से उसको हैप्पी कर सकते हैं उसको शेयर करके वेल वर्कर्स शुड कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज प्रॉफिट यही जो इंक्रीज़ गेन और इंक्रीज प्रॉफिट है जो वर्कर्स कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे और हार्ड वर्क के करके और बेटर परफॉर्मेंस दे के वो इसको इंक्रीज़ करेंगे इससे क्या होगा मैनेजमेंट का भी फ़ायदा होगा वर्कर्स का भी फ़ायदा होगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का तो फ़ायदा होगा ही होगा तो ये है हमारे तीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज के तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर